इसके लिए जिस AI टूल का यूज़ करने वाला हूँ मैं, उस टूल का नाम है जो आपको हेल्प करेगा आपके वीडियो ऑडियो या फिर आपके पॉडकास्टिंग के बैकग्राउंड में जो वॉइस बैकग्राउंड वॉइस में जो डिस्टर्बेंस आते हैं उसको कैसे रिमूव किया जाए। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक AI टूल के बारे में जिसको यूज़ कर आप बड़ी आसानी से फ्री में बैकग्राउंड का नॉइस रिमूव कर सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसको यूज करके आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में जो नॉइस आती है या जो डिस्टर्ब करती है नॉइस उसको रिमूव। बहुत सारे टूल्स हैं जैसे ऑडासिटी है, एडोबी है, इनको यूज करके आप ऑडियो फाइल्स का बैकग्राउंड में नॉइस रिमूव कर सकते हो और उसको यूज भी कर सकते हो। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक डिफरेंट टूल के बारे में जो है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में डिपेंड या क्रिएटेड टूल है जो फ्री में अवेलेबल है जिसको यूज करके आप बैकग्राउंड की नॉइस रिमूव कर सकते हो, साथ में उस वीडियो को या ऑडियो फाइल को फिर से रीअरेंज कर सकते हो। तो दोस्तों मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ इस वीडियो में जिसमें आप पहले वीडियो के बैकग्राउंड की नॉइस रिमूव करोगे और फिर से उसको ऐड करोगे सेम वीडियो में। इसके लिए मैं दो टूल यूज करूंगा, एक तो है AI टूल और दूसरा है आपका प्रीमियर प्रो या फिर अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो iMovie भी यूज कर सकते हैं। तो चलो मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसानी से आप बैकग्राउंड में नॉइस रिमूव करिए और अपने पॉडकास्टिंग रील्स या फिर यूट्यूब वीडियो के लिए वीडियोस पब्लिश करना शुरू कर दीजिए, उसका टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों चलो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आने वाले वीडियोस के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये एडोबी पॉडकास्ट करके एक टूल है जहां पर अपने ऑडियो फाइल्स का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं ये टूल्स के बारे में बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो ताकि मैं आपको हेल्प करूं इस टूल को कैसे यूज़ किया जाता है बैकग्राउंड रिमूवल के लिए। उसके साथ साथ और एक टूल है दोस्तों जिसको कहते हैं ऑडासिटी, काफ़ी पुराना और पॉपुलर टूल है जिसको यूज़ करके आप बैकग्राउंड के नॉइसेस आप रिमूव कर सकते हैं। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है इस टूल को तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए बताइए मुझे। अब चलते हैं दोस्तों जिस टूल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको वो वीडियो सुना देता हूँ जिसका बैकग्राउंड नॉइस हम रिमूव करने वाले हैं। हम लोग दो तरह के विचार देना चाहते हैं, एक तो लोग शिक्षित हो, ओके, और दूसरा उस शिक्षा का। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ फैन की या कुछ बोलने चलने की आवाजें आ रही है जिसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ और इसका मैं रील बनाऊंगा और मैं डालना चाहता हूँ अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के ऊपर में, तो मुझे जीवन में बैकग्राउंड की वॉइस रिमूव करना जरूरी है। तो उसके लिए मुझे जो टूल यूज करना है उस टूल का नाम है, इसके लिए जिस AI टूल का यूज करने वाला हूं मैं उस टूल का नाम है vocalremover.org। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं vocalremover.org के ऊपर में। ये एक ऐसा टूल है जो फ्री में अवेलेबल है और काफी यूजफुल है। इसको यूज करके बहुत आसानी से आप यहाँ पर जो है कराओके म्यूजिक के बारे में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। अगर आप कराओके म्यूजिक में बिलीव करते हो या आपका प्रोफेशन है म्यूजिक का प्रोफेशन है तो आप जो है यहाँ पर स्प्लिटर में आ जाइए। ये टूल आपको आप म्यूजिक जो है या जिस म्यूजिक को आप ज्यादा क्लियर बनाना चाहते हो उसको डिवाइड कर देता है चार पार्ट में, म्यूजिक, वोकल, बास और ड्रम्स में। अभी के लिए हम लोगों को सिर्फ जो है इन तीन चारों की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग एक इंस्टाग्राम के ऊपर में या यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हैं, हमारे पास में म्यूजिक या बास की जरूरत नहीं होती है, ड्रम्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर म्यूजिक में काम करते हैं तो भी आप इस टूल को यूज करके फ्री में आप अपने ड्रम्स को बास को मेंटेन कर सकते हैं इस टूल को यूज करके। तो मैं अभी बता देता हूँ कैसे इस टूल को यूज करते हैं। तो पहले हम लोग आ जाते हैं दोस्तों, हम लोग जो यूज करने वाले हैं इस टूल को उसका एक ही पर्पज है कि हम लोग हमारे वीडियो के अंदर में जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है उसको रिमूव करना है। तो मैं डायरेक्टली उस वीडियो के ऊपर मैं आ जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से फेच कर यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों अब इस वीडियो का प्रोसेसिंग शुरू हो चुका है, ऑडियो प्रोसेसिंग में है, AI प्रोसेसिंग में है, यहाँ पे इनकोडिंग हो रहा है दोस्तों। और अब बहुत जल्द यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर म्यूजिक, वोकल, बास, ड्रम्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये एक ऑडियो फाइल है तो इसमें बास और ड्रम की ज़रूरत नहीं है, तो ये बंद है दोस्तों, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ वोकल था और साथ में बैकग्राउंड की नॉइसेस थी। तो जो बैकग्राउंड की नॉइसेस होती है वो म्यूजिक के फॉर्म में यहाँ पे सेपरेट हो चुकी है और ये वोकल है। अगर मैं इसको सुनना चाहूँ तो आप सुन सकते हैं, देखिए यहाँ पर तो कुछ नॉइसेस है जिसको रिमूव करनी है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और इसको मैं साइलेंट कर देता हूँ और इसको मैं ऑन कर देता हूँ। वो लोग उपयोग करें अपने, अब आप सुन सकते हैं इस ऑडियो फाइल को ज्यादा क्लियरिटी के साथ में। और
उपयोग तभी हो सकता है जब बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है, पैसे कमाते हो। और अगर मैं दोनों साउंड को सुनना चाहता हूँ कि कैसे है, तो वो भी आप देख सकते हैं फिर से एक बार। लोग जो है तो इसमें बैकग्राउंड में आवाज आएगी जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। और अब ओके, और दूसरा क्लियर आवाज आ जाती है। ओके, इसको सेव कर देता हूँ MP3 फॉर्मेट में। फ्रेंड्स फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इस फाइल को अब मुझे फिर से वीडियो में ऐड करना है बैकग्राउंड रिमूव करके। तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को मैं आ जाता हूँ iMovie के सॉफ्टवेयर में। सो फ्रेंड्स अब मेरा ये वीडियो जो है यहाँ पर, ये ऑडियो फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो पहले मैं वीडियो को यहाँ पर iMovie में लेके आऊँगा, अगर आपको वीडियो में ऐड करना है। अब iMovie में लाने के बाद में इस वीडियो से जो बैकग्राउंड डिटैच ऑडियो, अब ये वीडियो मैंने ये ऑडियो रिमूव कर दिया क्योंकि इस ऑडियो में मिक्स साउंड अवेलेबल है जो बैकग्राउंड में आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आवाज़ें इच्छित हो। ओके, और दूसरा ये बैकग्राउंड की आवाज़ रिमूव करनी है, तो मैं इस फाइल को रिमूव कर देता हूँ। अब इसमें कोई वॉइस क्लिप नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वीडियो है। और जिस वीडियो फाइल को मैंने डाउनलोड किया है AI टूल के थ्रू, उसको मैं फिर से यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। अब मुझे ऐसा वीडियो मिल रहा है, हम लोग दो तरह के वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस नहीं है, सिर्फ साउंड है, वॉइस क्वालिटी काफी बेटर हो चुकी है। शिक्षित हो तो इस तरह से हम लोग बैकग्राउंड वॉइस रिमूव कर देते हैं। दोस्तों मैंने दो टूल यूज किए इसमें, एक तो टूल है दोस्तों voicerimover.org और दूसरा मैंने iMovie यूज किया है क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। फ्रेंड्स जो वीडियो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है और उस वीडियो को यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। ओके, ये मैंने रिकॉर्ड किया है आप सब लोगों के लिए, इसको मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं इस वीडियो को। लेकिन इसकी बैकग्राउंड की क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं है दोस्तों, तो मुझे आप देख सकते हैं बीच बीच में काफ़ी साउंड आएगा। उस टूल का, इसके लिए जिस AI टूल का यूज़ कर प्रोफेशन है, म्यूजिक का प्रोफेशन है, डिवाइड कर देता है, चार ड्रम्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इस वीडियो को फिर से एक बार इस टूल पर लेके आऊँगा दोस्तों, जिसका नाम है वोकल रिमूवर। मैं डिलीट कर दिया मैंने अभी इसको, और वोकल रिमूवर में लेके आऊँगा। इस वीडियो को मैंने यहाँ से पिक कर लिया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ऑलमोस्ट 7 मिनट का वीडियो है, तो यहाँ पर फाइल्स जो है 100 MB तक ही अलाउड है फ्री में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको अगर ऐसी फाइल को कट करना होगा, ताकि बड़ी फाइल को जिसकी साइज़ जो है वो 100 MB के नीचे हो, ताकि आप बैकग्राउंड वॉइस रिमूव कर सको। सो फ्रेंड्स आपको vocalremover.org कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया है। अगर आपके फाइल का साइज 100 MB से ऊपर है तो ये टूल काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें आपको बताऊँगा किस तरह से आप 100 MB के ऊपर के वीडियो की बैकग्राउंड नॉइस भी रिमूव कर सकते हो। लेकिन तब तक के लिए अगर रील्स बनाने हैं 100 MB के नीचे के वीडियोज़ है, आप इस वीडियो को यूज करके, इस टूल को यूज करके आप बड़ी आसानी से अपना काम। तो जाइए दोस्तों, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझे कमेंट बॉक्स में, और आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में बेल आइकन का दबा दीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय।